क्या नुकसान है किसानों का, एमएसपी नहीं मिलता क्या? तनख्वाह काट का आपके आधी तनख्वाह कर दे तो आपको क्या नुकसान है? अरे जो भाव है वो नहीं देंगे भाई, पैसे आधे देंगे तो नुकसान नहीं है? नुकसान ही तो है ना, पैसे आधे दे रहे हैं तो नुकसान नहीं है। कल लाठीचार्ज हुआ, कल लाठीचार्ज हुआ तो उसके उसमें यहाँ पे आए उन लोगों से मिलेंगे, जो लोग जेल में बंद हैं, जो घायल हुए हैं उन सब से मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ मुकुश तीजा। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कर्ण लेक पर, जहां पर आप देखते हैं आज जो है काफ़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं। कल जो है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जो है किसान इकट्ठा हुए थे, हाईवे जाम किया गया था, सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर जो है काफ़ी संख्या में कल भी जो है किसान इकट्ठे हुए थे, हाईवे तक जाम किया गया था और उसके बाद पुलिस ने जो है किसानों को हटाने का भी प्रयास किया गया था, उन पर जो है हल्का बल प्रयोग भी यूज़ किया गया था और उसके बाद आज जो है काफ़ी संख्या में किसान करनाल में जो है इकट्ठे हो जाते हैं और इसके बाद जो है शाहबाद जाएंगे, उसी को लेकर जो आज राकेश टिकैत भी करनाल पहुँचे हैं और आगे की रणनीति जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद में जाकर जो है तैयार की जाएगी। वहाँ पर जो है किसानों से भी मिलेंगे जो घायल हुए थे और कुछ किसानों को जो है पुलिस ने हिरासत में लेकर जो है जेल भी भेज दिया गया था, उसको लेकर जो आज करनाल में काफ़ी संख्या में जो है किसान यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं, आप भी यहां पर इकट्ठे हैं, किस लिए इकट्ठे हैं? इकट्ठे इसीलिए हैं, जो कल वाला कांड हुआ हरियाणा के अंदर समाज के अंदर, उसके लिए इकट्ठा हुए सारे किसान। इकट्ठा होकर सारे समाज जाएंगे वहाँ, जो कल कांड हुआ जो लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखदाई है, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि किसानों को जो डिमांड है एमएसपी की डिमांड, कोई गलत डिमांड नहीं है, अगर गलत है तो सरकार घोषित क्यों करती है? अगर घोषित करती है तो उसको लागू क्यों नहीं करती? गलती सारी डिमांड की सरकार की है। जब पहले ज्ञापन दिया गया, सारे जितने उपायुक्त हैं सबको ज्ञापन दिए गए, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को जानकारी भी दी गई, तो सरकार क्यों नहीं चेती? सारी ढिलाई सारी कमी सरकार की है। हम भी जानते हैं कि सड़क जाम होती है, लोग परेशान होते हैं, सड़क पर आने जाने वाले हमारे भाई हैं, कोई बीमार है, किसी को कहीं जाना, लेकिन मरते क्या नहीं करते? सरकार को जगाने के लिए मजबूरी में बैठना पड़ता है भाई। कितना दाम सरकार दे रही है, कितना डिमांड किसान कर रहे हैं? कम से कम 40-50 हज़ार प्रति एकड़ नुकसान है किसान को, बहुत मोटा नुकसान है किसान को। कौन पूर्ति करेगा, कौन जिम्मेदार है उसका? सारी गलती सरकार की है। ये सरकार किसानों को मारने पर तुली हुई है। आज क्या किया जाएगा? आज सारे किसान इकट्ठा लग रहे हैं, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, रतन मान जी, सारे समाज जाएंगे वहाँ, जो बड़े नेता उनसे सलाह मशवरा करेंगे और अगली रणनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कुछ किसान घायल भी हुए थे? हाँ, कुछ किसान घायल भी हुए हैं भाई, कुछ गिरफ्तार भी हैं, उनको छुड़वाने के लिए और घायलों का हाल चाल जानने के लिए सारे समाज जाएंगे। अब मामला बिल्कुल वही तो है ना, जो गिरफ्तार है मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर। और इसी के दौरान देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जयसिंहपुर गांव पड़ता है, जब ये हादसा हुआ उन्होंने सड़क रोकने की तैयारी की, जो असंत करनाल मार्ग है सड़क रोकने की तैयारी की, तो वहाँ जैसे भी वो तैयारी कर रहे थे उसका बल्कि वहाँ पता नहीं अटैक क्या हुआ, वो भी उसकी अक्षति हुई है। वहाँ पर एक किसान पूरा हुआ इसके अंदर, उस पर ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, ये बात वो सह नहीं कर सका और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। तो देखते हैं कि किस तरीके से आज जो है काफ़ी संख्या में किसान जो है करनाल में इकट्ठा है और उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जो है यहाँ से रवाना होंगे, सैकड़ों की संख्या में जो है किसान यहाँ पर इकट्ठा होकर कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे, वहाँ पर जो है घायल किसानों से मिलेंगे, कुछ किसानों को जो है हिरासत में लेकर मामला भी दर्ज किया गया, उनको जेल भी भेजा गया और उसके बाद आगे की रणनीति जो है कुरुक्षेत्र के शाहबाद से जो है बनाई जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर जो है पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के करण लेक से, जहाँ पर जो है आज किसान नेता राकेश टिकैत जो है करनाल पहुँचे हैं, तमाम किसानों के साथ जो है बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, क्योंकि कल जो है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जो है काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए थे, सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर जो है रणनीति बना रहे थे और उसको लेकर जो एमएसपी की मांग कर रहे थे प्रशासन से, सरकार से, लेकिन वहीं पर जो उसी दौरान प्रशासन ने जो है कहा था कि हाईवे को जाम ना लगाया जाए, लेकिन शाम होते होते, देर शाम होते होते
प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो है किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया, हल्का बल प्रयोग भी यूज़ किया गया, जिसके बाद यहाँ कुछ किसान घायल भी हुए थे और ऐसे में जो है कुछ किसानों को जो हिरासत में लेकर उनको जो है जेल भी भेज दिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं फिलहाल राकेश टिकैत आज करनाल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार किसान जो है सूरजमुखी के MSP को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल शाहबाद में भी जो है किसान धरना कर रहे थे, वहीं किसानों पर जो है लाठीचार्ज होता है, इसी को लेकर जो है आज करनाल राकेश टिकैत पहुँचे, उसके बाद शाहबाद पहुँचेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, शाहबाद जा रहे हैं, करनाल पहुँचे, किसान लगातार MSP की मांग कर रहे हैं। MSP की मांग रहेगी देश में जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक ये डिमांड हमारी रहेगी। कल लाठीचार्ज हुआ, कल लाठीचार्ज हुआ तो उसके उसमें यहाँ पर आए उन लोगों से मिलेंगे जो लोग जेल में बंद हैं, जो घायल हुए हैं उन सब से मिलेंगे, उस घटना स्थल पर जाएंगे, जहाँ लोग धरने पे हैं वहाँ पर जाएंगे, आगे की पॉलिसी बनाएंगे। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्या अभी? हाँ, गिरफ्तार तो भाई नेता तो गिरफ्तार ही होगा, नेताओं का काम आंदोलन में गिरफ्तारी, जेल या आंदोलन तो और क्या इन्हें क्या इलेक्शन लड़ना? क्या नुकसान है किसानों का MSP नहीं मिलता? अच्छा, तनख्वाह काट का आप क्या आधी तनख्वाह करते तो आपको क्या नुकसान है? अरे जो भाव हैं वो नहीं देंगे भाई, पैसे आधे देंगे तो नुकसान नहीं है, नुकसान ही तो है ना, पैसे आधे दे रहे हैं तो नुकसान नहीं है। कितना रेट अब सरकार दे रही है, कितना डिमांड किसान कर रहे हैं सरकार? क्या ये तो यहाँ पर जो आप मार्केट में बिखरा 4,000 और 4,500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बिखरा और 6,400 रुपये पर क्विंटल का रेट है, 64 रुपये किलो का जो भारत सरकार ने तय करा, हमने कहा कि जो तय करा वही दे दो। करनाल में काफ़ी किसान इकट्ठे किए गए हैं, उसके बाद शाहबाद जाएंगे, क्या रणनीति आगे की? रणनीति आगे की जब शाहबाद चलेंगे वहाँ बताएंगे। तो पहलवानों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहलवानों को लेकर अभी उनकी बातचीत चल रही है खेल मंत्री से, तो वे जब जैसे ही बाहर आएंगे वे बताएंगे, तो उसके आधार पर फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से आज जो है किसान नेता राकेश टिकैत करनाल पहुंचे हैं, उसके बाद जो है शाहबाद जाएंगे, वहां पर जो है किसानों से मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी किसान जो है घायल हुए थे, कल लाठीचार्ज जो है पुलिस की ओर से किया गया था, सूरजमुखी के MSP को लेकर लगातार जो है किसान धरने पर बैठे हुए थे, उसके बाद जो है हाईवे जाम किया गया था, हाईवे जाम को लेकर जो है पुलिस ने जो है कई बारी उनको कहा था कि हाईवे क्लियर कर दिया जाए, लेकिन जब नहीं किया जाता है तो वहां पर जो है पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, वोटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें जो है काफ़ी किसान घायल भी हुए हैं और कई किसान नेताओं को जो है हिरासत में लेकर जो है जेल भी भेजा गया था, उनके ऊपर जो मामले भी दर्ज किए गए थे, उसको लेकर जो आज किसान नेता राकेश टिकैत करनाल पहुंचे हैं, और उसके बाद यहां से सैकड़ों की संख्या में जो किसान इकट्ठे होकर आगे शाहबाद निकलेंगे, और वहां पर जो है कोई हो सकता है कोई बड़े फैसले, कोई बड़ी रणनीति जो है तैयार की जा सके। करनाल से मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। करनाल राकेश टिकैत जो है आज करनाल पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अभी चलेंगे, बातचीत करेंगे और चलेंगे यहाँ से आगे को चलेंगे, जहाँ युद्ध हुआ उस स्थान पर चलेंगे पहले, क्योंकि कुरुक्षेत्र वो यार कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 12 कोस का है, 48 कोस का है, तो बहुत दूर लोग तो रण क्षेत्र है। तो कल किसानों की बैरिकेडिंग की गई? हाँ, बैरिकेडिंग तो करें भाई, 7-7 दिन की बैरिकेडिंग करें, इसे सूरजमुखी को भाई बेचना है तो 7 दिन की बैरिकेडिंग तो तोड़नी पड़े। काफी नुकसान है? हाँ नुकसान है, चोट लगी किसानों के, लाठी जेल, काफी किसान घायल, हाँ घायल है किसान। सर क्या रणनीति रहेगी? नहीं मौत नहीं हुई किसी, रणनीति क्या रहेगी? रणनीति बनाओगे अभी, रणनीति बताओगे। और नेता भी पहुंच रहे हैं आपके अलावा? और नेता भी पहुंच रहे हैं, आ जाएंगे सब, आ जाएंगे सहज, कोई 2 दिन आगे आ जाएगा, 2 दिन पीछे आ जाएगा, कोई 2 दिन पहले आ जाएगा। किसानों को MSP गारंटी कानून देश में बने, जो भारत सरकार के रेट है उसके कम पे खरीद ना करे, ना सरकार खरीद करे ना व्यापारी खरीद करे, ये कानून हम चाहते हैं। तो यहाँ से शाहबाद जाएंगे? हाँ शाहबाद जाएंगे। तो क्या कोई रणनीति तैयार की जाएगी? हाँ करेंगे, रणनीति तैयार करके चलेंगे, अभी तो पुलिस रोकेगी उनसे, बैरिकेडिंग तोड़ के और फिर शाहबाद चलेंगे। आपको है लगता है? हाँ लगे हमें, समय किसानों को काफी नुकसान है। हाँ नुकसान को, हाँ नुकसान है, जैसे आपकी तनख्वाह 17,000 रुपये है या आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये है, आपको तनख्वाह 20,000 रुपये कर दे तो आप बताओ आपको नुकसान है या फायदा है? सर चढ़ूनी और टिकैत ग्रुप साथ में अब काम करेंगे? क्यों, हम क्या को अलग अलग हैं? हमारे विचार अलग अलग हो सके, मुद्दे सबके एक ही हैं, हम सब हैं एक ही। तो पहले दिन से MSP कर लेकर अभी तक मुद्दे चल रहे हैं? सर सब चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, MSP का है, बिजली के इशू है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग इशू आएंगे, ये सारे इशू है। पहलवान बैठे हुए लगातार धरने से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है हाँ हुआ नहीं, उनका भी समाधान नहीं हुआ। ये 15 महीने हैं देश के पास में, 15 महीने बाद में बहुत हालात बदलेंगे, ये पूरा देश सड़कों पर आएगा, ये कोरिया या तो कोरिया इसका बनेगा,
और या फिर भाई ये पूरा देश संघर्ष पाओगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, लेकिन लगेंगे 15 महीने। जाएंगे साथियों से मिलेंगे जो गए? हाँ मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे जो है देखते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो है आज करनाल पहुंचे हुए हैं। करनाल में जो तमाम किसानों से जो है बातचीत करेंगे, किसानों को जो है लेकर शाहबाद के लिए रवाना होंगे, क्योंकि देखते हैं कि किस तरीके से कल जो है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जो है कल लाठी चार्ज हुआ था, और उसके बाद आज जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा आगे कुछ क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में किसान जो है वो करनाल में इकट्ठा हो जाते हैं। राकेश टिकैत करनाल पहुंचे और यहाँ से जो है अपने साथियों के साथ जो है अब आगे की रणनीति बनाने के लिए जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद जाएंगे। कुछ किसान घायल हुए थे, उनसे मुलाकात करेंगे। कुछ साथियों को जो है किसान को जो है जेल भी भेजा गया था, और उनके बाद जो है आगे से सरकार से जो है प्रशासन से जो है उनको बाहर रिहा करने की जो है छुड़वाने की जो है मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं।